तो सिवनी जिले की कोतवाली पुलिस ने शहर के सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर एक संस्था का गठन किया जिसका नाम नेकी की दीवार रखा गया और आज स्थानीय विधायक दिनेश राय मुनमुन ने थाना परिसर में इस संस्था के काम का शुभारंभ किया। नेकी की दीवार द्वारा 5 गरीब और बेसहारा बेटियों की पढ़ाई के लिए 25-25 हजार रूपये की मदद दी गई और यही नहीं नेकी की दीवार के माध्यम से गरीब महिला और बच्चों को नए कपड़े जूते चप्पल से लेकर ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और कोरोना से बचने के लिए मास्क सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। और सिवनी की कोतवाली पुलिस के निरीक्षक जो महादेव हैं नगोतिया, उन्होंने जनता के बीच पुलिस की छवि बेहतर हो और आमजन पुलिस के पास बेखौफ होकर अपनी शिकायत दर्ज कराकर न्याय पा सके और इस उद्देश्य को लेकर कई नई संस्थाओं को भी इसके लिए जागरूक कराया गया, नई संस्थाएं भी बनाने की कोशिश जो है वो की गई। तो स्थानीय विधायक ने इस कार्य के लिए पुलिस की सराहना की और इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक सहित स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम था, दो कार्यक्रम के बहुत बेहतर, एक तो ऊर्जा डेस्क का आज रूम का शुभारंभ, जहाँ महिलाएं निस्फिक्र होकर इस रूम में आए और आज ये हमारे प्रदेश में प्रथम भी आए, उसके लिए बधाई देता हूँ। और दूसरा नेकी की दीवार, हमने देखा कि हम पुराने कपड़े वाली अधिकांश थी, लेकिन पुलिस विभाग द्वारा यहाँ नेकी की दीवार चलाई जा रही है, जो भी महिलाएं और बच्चे आएंगे उनको सबको नए कपड़े दिए जाएंगे, जूते से लेकर मफलर तक और साड़ी से लेकर ब्लाउज और हमारे बच्चों बेटियों के लिए पूरे कपड़े, इसके लिए मैं बधाई देने आया हूँ आज इस कार्यक्रम में। पुलिस अधीक्षक महोदय यहाँ के TI नवोदिया जी, उनकी ऐसी पहल है जो समाज सेवा में एक राजनीतिक व्यक्ति को करना चाहिए, संगठनों को करना चाहिए, और पुलिस अगर ऐसा काम करे तो निश्चित है हमारे समाज में पुलिस के प्रति भय हटेगा, विश्वास बढ़ेगा।